अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। गढ़ रोड स्थित शुभकामना नर्सिंग होम में भर्ती एक महिला की आज मौत हो गई। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उनसे 1,00,000 रुपए लिए गए, बावजूद इसके इलाज में लापरवाही बरती गई और जिस कारण महिला की मौत हो गई। वहीं नर्सिंग होम मैनेजर ने परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका यह भी कहना है कि उनका आयुष्मान कार्ड ही गलत बना हुआ है। मरने वाली महिला का नाम शाइस्ता है और वह लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मिलन पैलेस की रहने वाली थी। देखिए इस बारे में पीड़ित परिवार ने firstbite.tv को यह जानकारी दी। सुबह तबियत खराब हुई, तीन बजे दुआ थोड़ा इन्होंने भर्ती कर दिया। अब खत्म होने के बाद में नुका रहे हैं कि हमारे पास अटैक का कोई हिसाब नहीं है। जब अटैक का हिसाब नहीं है तुमने भर्ती कहाँ को करा? ना कोई यहाँ डॉक्टर, 1,00,000 ना कोई डॉक्टर है यहाँ पर। पहले है ये पैसे ले रखे इन्होंने, पता नहीं कितने भैया से 1,00,000 रुपए ले रखे इन्होंने। और उससे पहले तीन दफा बंद हो गए, सुबह से देख रहे कितनी उम्र होगी? 40-45। कहाँ की रहने वाली है? वहीं गढ़ रोड स्थित शुभकामना नर्सिंग होम के प्रबंधक सचिन त्यागी ने firstbite.tv को यह बताया। एक्चुअली पेशेंट साइस्ता है, सुबह जो 6 बजे पेट का दर्द लेके हमारे अस्पताल में एडमिट हुई थी। डॉक्टर राजीव उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। डॉक्टर राजीव ट्रीटमेंट के दौरान बता दिया था कि पेशेंट तुम्हारा खतरे में है, पेशेंट को आप कहीं भी लेके जा सकते हो। इनको मैंने भी समझा दिया, डॉक्टर ने भी समझा दिया कि पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। उनका ECG किया, ECG करने के बाद सडनली पेशेंट को अटैक आया। अटैक आने के बाद पेशेंट को हमने रेफर कर दिया। ये पेशेंट को यहाँ से लेकर चले गए इन्होंने, लेकिन फिर भी हंगामा पैसे के लिए या जो भी हंगामा इन्होंने किया अपनी फैसिलिटी के लिए किया। हमारे पास स्लिप है 10,000 की, हमने स्लिप काट लिया, 10,000 रुपये के जमा है जो कि हमने वापस कर दिया है। आयुष्मान कार्ड का इलाज इनका हो ही नहीं सकता क्योंकि आयुष्मान कार्ड में सारे नाम गलत आ रहे हैं और आयुष्मान कार्ड गलत बना हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।